पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। आमने सामने कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी भारतीय समाज पार्टी है। जब से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने ओम प्रकाश राजभर के विधायक कैलाश नाथ सोनकर को चोर कहा है, यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे महेंद्रनाथ पांडे ने साफ कह दिया था कि यहां का विधायक चोर निकल गया, इसलिए उनका नाम सिल्ला पट पर नहीं लिखवाया गया है। पट्टी में यहाँ के विधायक का नाम नहीं लिखवाया हूँ भाई, वो चोर निकल गया। महेंद्रनाथ पांडे की इस बात से नाराज कि विधायक कैलाश नाथ सोनकर ने इसे दलितों से जोड़ दिया और कहा बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने विधायक का बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि उनके विधायक जेल में हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की है। कि उनका विधायक जेल में है, क्या कार्रवाई किया उन्होंने? अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उन्हीं से पूछ रहे, उनका विधायक जेल में है, क्या कार्रवाई किया उन्होंने? अभी रात को दो दो विधायक बैठे थे धरने पर, क्या उनसे पूछे थे? उन्हीं से पूछ लीजिए। गाजीपुर में दो दो विधायक धरने में बैठे थे, क्या पूछा उन्होंने? बीजेपी पर वार कर रही राजभर की पार्टी को खुद अपराजिता सोनकर ने जवाब दिया। आरोपी विधायक कैलाश नाथ सोनकर की भांजी बीजेपी नेता अपराजिता सोनकर ने कहा, बीजेपी दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी के ऊपर आरोप लगाया गया है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा गया है कि दलित विरोधी पार्टी है। दलित विरोधी प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला गया है, उस चीज़ को मैं सरासर नकारती हूँ। ये हमारी पार्टी दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करती है और हमेशा ये करती है कि दलित लोगों को आगे लाया जाए, उनको समान दर्जा दिया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर से जब पूछा गया कि आपके मामा पर आरोप लग रहे हैं तो आप किसके तरफ हैं, परिवार के या पार्टी के, इस पर उन्होंने साफ कहा, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर राजनीति में आई हूं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए। इंजीनियरिंग छोड़ के कंप्लीट करने के बाद मैं अपना प्रोफेशन छोड़ के अगर पॉलिटिक्स में आ रही हूं तो मैं जनता की सेवा करने के लिए आ रही हूं, न कि परिवार की सेवा। मैं बेटी के तौर पे होते हुए मैं परिवार की सेवा जरूर करूंगी, लेकिन एक अध्यक्ष होने के नौबते मैं जनता की सेवा करने के लिए आई हूं, मैं जनता की सेवा करूंगी। आपको बता दें, ये वही कैलाश नाथ सोनकर हैं जिन पर राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। राजभर की पार्टी से वह अजगरा सीट से विधायक हैं। उन पर लोन दिलाने के नाम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने करोड़ों रुपए के हड़पने का आरोप लगाया है।